देख सकते हो यार पत्थर कैसा है भाई साहब। अच्छा दो पत्थरों के बीच में टेका है और नीचे में मंदिर भी बना है। हर हर महादेव, जय माता रानी। तो जय श्री राम दोस्तों, मैं विकास आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल विकास कौशल व्लॉग में। तो हम लोग जा रहे हैं डोंगरगढ़, मतलब कल गए थे है ना, तो उसी का एक मस्त व्लॉग बनाया हूँ आज। और पूरा वीडियो देखना, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वही घिसा पिटा डायलॉग है, लाइक से सब्सक्राइब मार देना यार। अच्छा तो चलो बिना किसी देरी के अपना व्लॉग चालू करते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा वीडियो। वीडियो पर पूरा बने रहना। और तो भाई देख सकते हो यार सुबह सुबह का नज़ारा है। तो ये है अपना बिलासपुर का, इधर का देखो भाई 3-4 ठो की स्पेलिंग में जो है लाइट नहीं जल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सुधार लेंगे। और हम लोग जा रहे हैं अभी डूंगरगढ़ की ओर। ठीक, टिकट कटा लेते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं कितना टाइम आएंगे आएगा ट्रेन। अभी हो रहा है 5:28। चलो मिलते हैं प्लेटफॉर्म के अंदर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी डूंगरगढ़ का, देख सकते हो प्लेटफॉर्म है ये। हमारा गाड़ी उस पर जाना था लेकिन इस पर आ गया। और आगे में है देख सकते हो बम्लेश्वरी माता का मंदिर, वहाँ पर है शायद, मैं तो पहली बार आया हूँ तो हाँ वहीं पर है, देख सकते हो आप लोग। तो चलिए अब दिखाते हैं आगे का व्लॉग। देख सकते हो गाइस अपन लोग, अच्छा यार यहाँ पर के साफ से भी बहुत अच्छा है, अभी अभी बना ही है इसलिए। तो ये है डूंगरगढ़ का क्या बोलते हैं स्टेशन है ना, देख लो हम लोग का हालत खस्ता हो गया भाई, बैठे बैठे कार्बन डाइऑक्साइड में सुहाते नहीं, एक तो ऊपर से ठूसे पड़े हैं आदमी लोग यार। चलो अब दिखाते हैं आपको। तो गाइस अभी इधर का पूरा प्लेटफॉर्म बना है, मतलब स्टेशन बन रहा है पूरा, अभी तो कार्य पूरा हो रहा है देख सकते हो आप लोग। बहुत सारे भाई स्ट्रक्चर बना है, अभी बहुत सारा बनना बाकी है यहाँ पर, फिर अच्छा दिखेगा ये। तो हम लोग जाएंगे लिफ्ट से क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत ऊंचा लग रहा भाई, चलने में हालत खस्ता होगा, तो हम सीधा लिफ्ट से जाएंगे। ठीक, और अब देखते हैं अंदर से, देख सकते हो आप लोग इधर से रोप वे जाने का मार्ग है। ठीक है, ऊपर से देखो जैसे वहाँ पर जा रहा है एक छोटा सा, वैसे ही अपन लोगों को भी जाना है, देखते हैं कैसा लगता है फर्स्ट टाइम है ना, कुछ इस प्रकार का है भाई देख सकते हो। ऐसे जाते हैं ऊपर है ना, चलो आपको अंदर जाके दिखाते हैं। देख सकते हो भाई हम लोग जा रहे हैं अपने झूलना में, और ये तालाब है कुछ इस प्रकार का यहाँ पर, अच्छा झूलना है यार, अच्छा झूलना है ये। कैसा लग रहा है भैया, फर्स्ट टाइम आ रहा है, फर्स्ट टाइम हम लोग बैठे हैं इसमें, तो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, आप भी फर्स्ट टाइम आए हो? फर्स्ट टाइम है, बड़ा खतरनाक लग रहा है ये। क्या झूलना है देख लो भाई, नीचे का नजारा, जाके 70 रुपए जैसे, ठीक है जाना बस के, आना जाना के 100 रुपए, तो 30 रुपए पर फिर खाली चोतर पे भाई, सही बात है। तो भाई कितना बड़ा बड़ा पत्थर है, बहुत मजा आगे दे, कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना अभी डर लग रहा है, कितना मजा आ रहा है देखो यार, तो भाई रिएक्शन देखो और भाई पीछे का नजारा देखो यार, मेरे तो मजा आ रहा है, बाकी भैया लोगों को डर लग रहा है। 100 रुपए मात्र टिकट आने जाने का, पहला बार है कि दूसरा बार? नहीं फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम। चलो देख लो नीचे का नजारा, और इधर तो देखो भाई आदमी चढ़ने की ये तो ललक में चढ़ जा रहा है कि एहसान नहीं करना पड़े। अपना जो है ये गाड़ी पहुंच चुका है स्टेशन पे, तो चलो अब उतर के दिखाते हैं भाई। मेरे को तो बहुत मजा आया, बाकी लोगों को बहुत मजा आया, और क्या बोले अब भाई, जो कम कमजोर दिल के होंगे वो मच्छी आना यार,
बहुत खतरनाक था भैया का एक्सपीरियंस भाई, हार्ट बीट एकदम बढ़ गया था। तो कुछ इस प्रकार का सीढ़ियाँ बनाए गए हैं, फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग, ठीक है। और दिखाते हैं अभी मंदिर तरफ जाके। देख लो भाई, मजे ही मजे हैं यहाँ। हम लोग जूता चप्पल रखेंगे, उसके बाद जाते हैं, दिखाते हैं आपको ऐसा कुछ नज़ारा यहाँ पर का। ये शायद सीढ़ियाँ होंगी, ठीक है, कुछ इस प्रकार का बना है, देख लो आप। चलो पहले जूता रख लेते अपना, है ना। इस प्रकार की सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ के ऊपर चढ़ने पर हमको और सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। और आ रहे हैं भैया लोग, चलो ऊपर चलते हैं। और देख सकते हो यार पत्थर कैसा है भाई साहब, ऐसा दो पत्थरों के बीच में टेका है और नीचे में मंदिर भी बना है। हर हर महादेव, जय माता रानी। देख सकते हो यार भाई, मतलब ऐसे पत्थरों के बीच में बना है यार, अच्छा लगा देख के। देख लो भाई कितना बड़ा पत्थर है, और पत्थर के ऊपर फिर बना है उधर पत्थर में पानी टंकी बना है। हो भाई अभी देखते हैं क्या क्या है यार इधर। तो देखो भाई नज़ारा, टावर भी लगा यहाँ पर है ना, फर्श अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, थक चुके हैं थोड़ा। बाकी वो रेलवे स्टेशन है, वहाँ से अपन लोग आए हैं। देख सकते हो मेरे पीछे माता रानी के दरबार, और भैया लोग इधर फोटो खिंचा रहे हैं। चलो आपको दिखाते हैं आगे। ये है माता रानी का दरबार, देख सकते हो आप, है ना। और इधर पूरा भक्तजन बढ़िया है, इधर भी है। थोड़ा बंदरों से सावधान रहना, क्योंकि बहुत ही बंदर यहाँ पर झपड़ देते हैं लगता है। और हमारे माता रानी यहाँ पर हैं, और देख सकते हो नीचे का नज़ारा काफ़ी बहुत ही धुंधला धुंधला दिख रहा है। और यहाँ पर कुछ बन रहा है, पार्क वार्क गार्डन वार्डन क्या पता है, नहीं पता मेरे को, लेकिन ठीक कुछ इस प्रकार का है। देखो भाई बंदर से थोड़ा सावधान रहना, और ठीक सकते हो भाई नज़ारा। और देख सकते हो कितना बड़े बड़े पत्थर के ऊपर में बना है भाई मंदिर, मतलब जो कल्पना नहीं कर सकते उस पर, मतलब ऐसा मंदिर का निर्माण किया गया है, काफ़ी खूबसूरत है। और देख सकते हो भाई सच में कैसे इतने बड़े बड़े चट्टानों के बीच में बना है मंदिर। और बंदर भाई बहुत ही अफरा तफरी वाले हैं यार, थोड़ा बच के रहना। और देख सकते हो भाई, देख सकते हो ऊपर में है मंदिर, हम लोग आए थोड़े इस पर इधर और बांधते हैं, ठीक है। देख सकते हो आप लोग कितना सारा है यार यहाँ पर। और यहाँ पर जय श्री राम का बड़ा वाला झंडा, जय माता दी यार, है ना। और इधर का नज़ारा देखो भाई, अच्छा दिख रहा है ना। बाकी यही है कुछ माता रानी का दरबार। चलो अब आपको नीचे जाके दिखाते हैं कुछ, फिर उसके बाद थोड़ा भोजन करेंगे, भूख लग रहा है, सुबह से कुछ नहीं खाए है ना। चलो यहाँ पर है यज्ञ वाला, और इधर सुलभ शौचालय, ठीक। यहाँ पर है टिकट घर, रोप वाला, बाकी अब ये नीचे से होता है। और यहाँ पर है भैया भोजनालय, ठीक है, भंडारा, केवल मात्र 20 रुपये में होता है। और नीचे जाने का रास्ता यहाँ से है, और ऊपर में है मंदिर, और कुछ नहीं है। बस अब नीचे जाके दिखाते हैं और मंदिर है उसको, तो वीडियो पर पूरा बने रहे ना। और पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को, ठीक। हम सब जा रहे हैं अब नीचे की ओर, और नीचे का मंदिर है, अब दर्शन करेंगे, भैया यहाँ पर हैं हमारे, और अब चलते हैं नीचे की ओर, दिखाते हैं आपको। रोप इस प्रकार का है, अच्छा सा है ना। यहाँ से ऐसे नीचे उतरेंगे हम लोग, तो हमारा बाबू अब जा रहा है यहाँ से।
लगते सायला जाना इसमें राशन तो कम कर देते धीरे धीरे उतारते उतिल गर 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 आते वो तेरे मोबाइल पकड़े हुए कुछ पता नहीं चली अबे तो धीरे धीरे उतर आराम से झूलना झूलना देखो नीचे का नजारा भाई लोग देखो पहाड़ों को देखो भैया और इधर सीढ़ियां है चलो दिखाते हैं और जिंदगी में एक बार चढ़ना ना तो हवाई जहाज समझ हम लोग अब यहाँ मंदिर जा रहे हैं। इस मंदिर को देख के लगता है कि ये मेरे को अमरकंटक याद दिलाता है। ठीक है, अमरकंटक का जैन मंदिर कुछ इसी प्रकार का बना है, आपको पता होगा और देख सकते हैं। और काफ़ी सुंदर मंदिर है ये, है ना। और हमारे भैया लोग आ रहे हैं, चलो अब आपको दिखाते हैं थोड़ा। तो देख सकते हो भाई, यहाँ पर है गणेश जी की मंदिर और यहाँ पर है भैरव बाबा मंदिर, है ना, और बीच में है माँ बम्लेश्वरी मंदिर। तो सीढ़ियों को अच्छा है, एकदम मस्त बनाया गया है, सभी को एक ही पत्थर से बनाया गया है और काफ़ी अच्छे से इसको मतलब बारीकी से बनाया गया है। देख सकते हो मंदिर के आजू बाजू में दो दरवाजे हैं, है ना, और यहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर है, भैरव मंदिर देख सकते हो आप, काफ़ी सुंदर है, है ना। तो देख सकते हो यार, काफ़ी बेहतरीन डेकोरेट किया गया है, मतलब पूरा पत्थरों को तराश के बनाया गया, और क्या ही बोले यार, सुंदरता की बात करें तो, है ना। और चार दरवाजे बनाए गए हैं, एक इधर है, एक इधर है और इधर एक और है, ठीक। और ये पांचवा दरवाज़ा, और अंदर का देखो भाई नज़ारा, काफ़ी सुंदर नज़ारा है, ठीक हो। देख सकते हो ये तीसरा दरवाज़ा, इधर चौथा दरवाज़ा है ना, और ये है मेन गेट जो काफ़ी सुंदर है। वाओ, लोग आ रहे हैं, लेकिन अब देख सकते हो पूरा मंदिर बंद हो चुका है, अब सीधा 2 बजे खुलेगा। हम लोग एकदम सही समय में आए थे और उतने ही समय मंदिर खुला था। देख सकते हो आप यार, काफ़ी सुंदर बनाया गया मंदिर को, पहाड़ों के नीचे में बना गया इसको, और जो मंदिर है वो ऊपर में है। और देख सकते हो ये चौथा पांचवा दरवाज़ा है ये, ठीक। और ये मंदिर के पीछे का नज़ारा है, देखो कितना बड़ा मंदिर बनाया गया है, काफ़ी खूबसूरत है। देख लो यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई भी गई हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर यज्ञ होता है, हवन होता है शायद, और यहाँ पर हाँ देवी देवी हैं और कुछ हैं, देख सकते हो। और मंदिर का पीछे का नज़ारा, ऊपर में भी कैमरा लगा के साथ नहीं घंटी लगाए, और देखो भाई बहुत तगड़ा शैली में बना गया इसको, नागर शैली में बना गया साथ इसको। और यही है माँ बम्लेश्वरी मंदिर का नज़ारा। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, और क्या बोले, अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।